हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताऊंगी सलवार की पटियाला मतलब बेल्ट वाली सलवार की कटिंग कैसे करें। तो ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसमें मैं बैक जो उल्टी साइड होती है अंदर वाली साइड उसमें निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि एक ही कलर में कपड़ा है जैसे सिलने में दिक्कत हो जाती है, उल्टा सीधा हो जाता है। इस वजह से मैं ऐसे मार्किंग कर ले रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये उल्टी साइड है और सीधी। देखिए उल्टी साइड में देखिए मैंने सब में निशान लगा लिए हैं। ये 2.5 मीटर लगभग में कपड़ा है, इससे मैं बेल्ट वाली सलवार की आपको कटिंग बताऊंगी। देखिए पहले हम बेल्ट अलग काट के अलग कर लेते हैं। देखिए ये बेल्ट है, अब बेल्ट की लंबाई रखेंगे 8 इंच। देखिए 8-8 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, अब इसको मैं सीधा कर दूंगी। ये बेल्ट की लंबाई है 8 इंच। तो जो बेल्ट की चौड़ाई हमको कितनी रखनी है, कमर है हमारी 34 इंच, मतलब 34 में 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38। 38 का हाफ होता है 19। तो देखिए ये हमारी 19.5 इंच है। देखिए 19.5 इंच बन रही है। देखिए तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा जैसे, तो आपका बन के 19 इंच तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर देती हूँ। ये हमारी हो गई बेल्ट। ये जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है इससे हम कुंदे और पोंछे निकालेंगे। इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड कर लिया है मैंने, अब इसमें ऐसे फिर इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। इसको हम पहले सीधा कर लेंगे अच्छे से। किसी भी कपड़े में सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए इस साइड में हमारा कपड़ा यहां से हल्का तिरछे में है। हमने एकदम बराबर कर लिया है, अब इसके हम 4 फोल्ड करेंगे। हमारे पोंछे की चौड़ाई है 11 इंच, तो हम 5.5 पे कट करेंगे। देखिए 5.5 इंच है। देखिए 5.5 में मैं निशान लगा लेती हूँ। ये पोंछे की चौड़ाई है, लंबाई रहेगी 33 इंच। 33 इंच देखिए 33 पे हम
निशान लगा लेते हैं। ये थी 5.5, अब यहाँ से भी 5.5 पे आप निशान लगा लेंगे ताकि आपका पोचा बिल्कुल सीधा कटे। देखिए मैंने निशान लगा लिया है, अब इस जगह से मैं जो ये मैंने पोंचे की लंबाई का निशान लगाया था इसको मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। सीधा कर लिया है, अब यहाँ से हम ऊपर की साइड में आसन नापेंगे 8 इंच। देखिए ये 8 इंच हमारा आसन का निशान है और यहाँ से 2.5 इंच अंदर की साइड में इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं जो हमने आसन का निशान लगाया है। ये आसन, ये जो कुंडली का है नीचे का पार्ट होता है वो। अब इसी की उल्टी साइड में यानी उस साइड में ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में था सारा, फिर इस पोंचे के लिए हमने केवल 4 फोल्ड किया है, बाकी हमारा कपड़ा 2 ही फोल्ड में है। देखिए अब इस साइड में, इसकी अपोजिट साइड में, इस साइड में हम यहाँ पे भी आसन का निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पे। देखिए 8 इंच पे, सॉरी 8 इंच पे देखिए मैंने निशान लगा लिया है, आपको दिख नहीं रहा शायद, मैं और थोड़ा इधर कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे हम 8.5 इंच पे, 8 इंच पे देखिए 8 इंच पे निशान लगा दे रहे हैं। इसको अंदर की साइड में 2.5 इंच पे देखिए 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है। देखिए ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, फिर यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाया है। अब दोनों निशानों को हम ऐसे मिला के देखिए तिरछे में निशान लगा देंगे। देखिए देखिए हो गया, ये हमारे आसन दोनों आसन कट चुके हैं, ये हमारे पोंचा है। अब मैं आपको कट करके बताती हूँ, सारे निशान मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। देखिए यहाँ से यह है हमारी पोंचे की लंबाई, यहाँ से हम पोंचा अलग कर ले रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों हमारा कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा था, यहाँ पे मैंने 8 इंच में निशान लगाया था, इस मार्क को मैंने सीधा नहीं किया था, इसको मैं सीधा करके ये कपड़ा अलग निकाल दूंगी। देखिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसमें मैंने मार्क लगा लिया है, इसको मैं कट कर दूंगी, अलग निकाल दूंगी। ये आसन की कटिंग कर रहे हैं, ये हमारा फालतू कपड़ा है, इसको कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ से 2.5 इंच अंदर की साइड हम कट करेंगे, फिर इस निशान से ऐसे हम कट करते हुए चले जाएंगे, एकदम सीधा आपको हल्के हाथ से कट करना है, कपड़ा खिसके ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पार्ट हैं पोंछे के, इन दोनों को भी हम देखिए ये अलग है, यहाँ से नीचे से अलग करने पड़ेंगे, बाकी अलग है, इसको हम कट कर देते हैं। सलवार की टोटल लेंथ थी 37 इंच, जिसमें से लगभग मैं 5.5 इंच बेल्ट बनके तैयार होती है, 8 इंच हम कटिंग करते हैं, 2 इंच 2.5 इंच लगभग में हमारा नेफा फोल्ड हो जाता है, 1/2 इंच नीचे सिलाई में चला जाता है, तो लगभग में 5.5 इंच हमारी बेल्ट तैयार होती है, यानी 37 इंच 5.5 आप माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 32 इंच, तो हमको ये 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर में सिलाई में जाता है, 1/2 नीचे जाता है, तो ये मैंने 33 इंच पे पोंछे कट किए थे, वैसे ही मैंने कुंदे, देखिए ये हमारे कुंदे हैं, वो हमारा आसन है, इस साइड में कुंदे, देखिए ये पोंछे के साथ में ऐसे अटैच होंगे दोनों, ऐसे पोंछा साथ में होगा अटैच, देखिए ये एक साइड का है, जो कुंदे काटते हैं उसके भी एक साइड से पोंछा एकदम मिला के लंबाई रखी जाती है, पोंछे के बराबर ही लंबाई होती है। आसन इसमें 8 इंच मैंने रखा है, देखिए ये आसन है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय।